ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस चैप्टर इन हिस्ट्री, और इसका है नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है, नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? हमने देखो नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा है कि देशभक्ति की भावना जागरूकता हो रही थी. ठीक है, तो थोड़ा सिनारियो को समझिए. ब्रिटिशर्स के बहुत पहले इंडिया एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, वो गुटों में बटा हुआ था. कहीं पे मराठा किंगडम है, कहीं पे मुगल किंगडम है, कहीं पे नवाब किंगडम है. सो नोबडी न्यू दैट एज अ कंट्री इंडिया एग्जिस्टेड. इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. ठीक है, और दूसरी बात ये कि लोगों की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके गांव से जुड़ी हुई थी. जिस गांव में आप रहते हैं, आप उस गांव के निवासी हैं, बस इतनी ही आइडेंटिटी है. आप उस वो गांव एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो डिस्ट्रिक्ट एक नो स्टेट के अंदर आता है, ऐसा कुछ नहीं था. आज की तारीख में आप इंडियन पहले हैं, उसके बाद आप यू नो महाराष्ट्रियन हैं या आप बंगाली हैं. ठीक है, फर्स्ट यू आर एन इंडियन, राइट? दैट्स योर आइडेंटिटी. आपके पासपोर्ट में, आपके आधार कार्ड में पहला इंडियन लिखा जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी. लेकिन तब के ज़माने में ऐसा नहीं था. ठीक है, तब के ज़माने में कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, लोगों का एक मतलब जुड़ के जो राष्ट्र बनाने का प्रोसेस है वो था ही नहीं. इट वॉज एंटायरली मिसिंग. ठीक है, सो देखो अंग्रेजी हुकूमत का एक अच्छा चीज़ ये हुआ कि लोग यूनाइट हो गए एंड फाइनली इंडिया एज अ कंट्री वॉज फॉर्म्ड. अदरवाइज इंडिया नेवर एग्जिस्टेड एज अ कंट्री. ठीक है, अलग अलग गुटों में अलग अलग जगह हैं. ठीक है, सो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम पढ़ेंगे कि कैसे भाई साहब लीडर्स ने इंडिया को एज अ नेशन यूनाइट किया, और इंडिया जब यूनाइट हुआ एज अ नेशन, इट फॉर इट्स फ्रीडम, फाइनली अटेंड द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, एंड द फाइनली द एंटायर नेशन वॉज फॉर्म, एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक संविधान है. संविधान मतलब अगर छोटे छोटे तौर पर संविधान का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे मोटे तौर पर अगर हम संविधान को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है इट्स अ सेट ऑफ रूल बुक्स ऑन विच द एंटायर कंट्री रन्स. ठीक है, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पीपल वॉट इज नेशनलिज्म इन इंडिया. सो नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके, सो वॉट डू वी मीन बाई नेशनलिज्म इन इंडिया? ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया द इंट्रोडक्शन पार्ट इफ यू लुक. सो As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. तो हमने देखा nationalism in Europe के time पे कैसे छोटे छोटे states बनने लगे. How these small states were basically being consolidated to form a nation. यही चीज़ यहाँ पर भी अभी होने लगी. ठीक है, so there was a change. The revolutions हो रहे थे चारों तरफ, और revolutions में monarchical rule को dethronize किया जा रहा था. ठीक है, धीरे धीरे भाई साहब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ. कभी मोनार्कियल रूल है भाई साहब, तो कभी आपका यू नो देर इज़ बेसिकली अ डिक्टेटरशिप लाइक नेपोलियन, देन अगेन इट असेंबली आती है, देन अगेन डेमोक्रेसी आती है. तमाम चीज़ें भाई साहब चेंज हो रही हैं. सो इट ऑल्सो मीन दैट चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर एंड वॉट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. वो हैं कौन, उनका भाई साहब क्या आइडेंटिटी है? जैसे आज की तारीख में आपका आइडेंटिटी क्या है? यू आर एन इंडियन फर्स्ट. ठीक है, देन यू बेसिकली बिलोंग टू अ स्टेट. ठीक है, हु आर दे, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग. वो किस चीज को बिलोंग करते हैं, किस राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, किस प्रजातंत्र को बिलोंग करते हैं. ठीक है, दैट्स बेसिकली कलेक्टिव आइडेंटिटी. तो न्यू सिंबल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज, ये सारे भाई साहब लोगों को कनेक्ट करने लगे. देर वे सर्टन सिंबल्स विच वे कनेक्टिंग पीपल, देर वे सर्टन न्यू आइकॉन्स विच वे कनेक्टिंग पीपल. ठीक है, देर वे सर्टन न्यू सॉन्ग्स एंड न्यू आइडियाज, फॉर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज. ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज बनने लगी. ठीक है, इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी बना, ये ताबड़तोड़ नहीं बन गया, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा. लोग मोनार्कियल रूल के इम्पैक्ट से निकलते निकलते फिर जाकर इस फेज में आ पाए. ठीक है, सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज. कॉलोनीज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी वेर वंस अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. सो दीज आर बेसिकली कॉलोनीज. ठीक है, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. ठीक है, तो जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रीजंस के वजह से नेशनलिज्म उभरा. फॉर एग्जांपल, अगर यूरोप में आप देखोगे, ज़्यादा करके कंट्रीज में नेशनलिज्म क्यों आया? क्योंकि देवर अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल. किसी चीज़ को आप रिबेल करते हुए एक संगठन करते हैं. ठीक है, तो देवर अगेंस्ट द मोनार्कियल रूल, द अट्रॉसिटीज कमिटेड बाय द मोनार्कियल रूल. वी
united and we formed a nation because we were against the atrocities of the British rule. ठीक है, कारण अलग अलग हैं, effect दोनों का same है. Nation states का निर्माण हुआ और finally एक nation बना. ठीक है, so आपके जो nationalism का idea है, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. तो ये सारे भाई साहब आपके क्या थे, these were colonial empires and they united and fought against. ठीक है, people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. ठीक है, तो लोगों को भाई साहब अपनी unity का एहसास होने लगा. They started developing their unity in the process of their struggle with colonialism. ठीक है, colonialism मतलब British rule के against. तो जैसे आप देखो किसी के खिलाफ जाते हैं तो आपको संगठन बना, आप बोलते हैं ना किसी के साथ मारामारी होती है अगर, तो तू जानता है मेरे को भाई साहब, मेरे इतने पहचान के, फिर आप फोन लगाने लगते हैं. ठीक है, सो ये क्या होता है, दिस इज वॉट वॉट प्रोसेस इज दिस. आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल है, कितने लोग आपको जानते हैं, है ना. तो मतलब किसी भी लड़ाई के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत है, है ना. सो अगर ब्रिटिशर्स से हमको भिड़ना है, विच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस, ठीक है, इंपीरियलिस्टिक नेशंस, तो हमको यूनाइट होना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ दिस कंट्री स्टार्टेड यूनाइटिंग. ठीक है, सो पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी एंड इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनलिज्म. ठीक है, तो कॉलोनलिज्म के चलते हमारा नेशनलिज्म डेवलप हुआ. द सेंस ऑफ बींग ओप्रेस्ड एंड अंडर कॉलोनलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. कोई भी नेशन स्टेट का निर्माण देखो किसी चीज को अपोज करते हुए ही होता है. जैसे भाई साहब आपका यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी ऑपरेशन था, लेकिन वहाँ पे किसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन किसका था, जो आपके तीन स्टेट्स थे, जो आपका भाई साहब कौन सा स्टेट, नोबलमैन एंड क्लर्गीमैन, इनका ऑपरेशन था. और ऑपरेशन था किसके ऊपर, द कॉमन पीपल, पीजेंट्स पे. ठीक है, यहाँ पे भी ऑपरेशन था किसका, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर. ठीक है, सो द सेंस ऑफ बींग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. ठीक है, ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. हर एक क्लास को भाई साहब एक अलग इफेक्ट मिला कॉलोनियलिज्म का. ठीक है, कॉलोनियलिज्म, ओके, द एक्सपीरियंसेस वेर वेरीड, तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए. ठीक है, द नोशंस ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम, तो अलग अलग लोग हुए. अभी कैसे डाउट बताऊं, पहले ही देख लेना चाहिए ना पेपर में मैम. अभी नहीं बता सकता मैं, कीजिए पेपर कीजिए. ठीक है, ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनलिज्म डिफरेंटली. हर एक भाई साहब कॉलोनलिज्म को डिफरेंटली फील करते गए. देयर एक्सपीरियंसेस वेर वेरीड, अलग अलग वेरीड एक्सपीरियंसेस हुए इनके. ठीक है, देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम, इनके अंदर जो फ्रीडम्स की बिलीव्स थी दे वर नॉट ऑलवेज द सेम. ठीक है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट. तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सबको एक साथ इकट्ठा किया. ठीक है, ही बेसिकली कलेक्टेड, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. अभी कांग्रेस के अंदर भी मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे. फॉर एग्जाम्पल सरदार पटेल हैड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, सुभाष चंद्र बोस हैड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, महात्मा गांधी हैड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. महात्मा गांधी फेल्ट दैट वी कैन अटेन फ्रीडम बाई नॉन वायलेंस. सुभाष चंद्र बोस फेल्ट दैट वी कैन अटेन फ्रीडम बाई वायलेंस और रादर बिल्डिंग अप एन आर्मी. ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधाराएं थी, बट द यूनिटी डिड नॉट अमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. इस यूनिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट था. ठीक है, लोगों की सोच में अलग अलग. ठीक है, इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. पहले 10 साल, 20th सेंचुरी के पहले 10 साल में धीरे धीरे नेशनलिज्म डेवलप होने लगा 1900s में. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप स्टोरी फ्रॉम 1920s. बेसिकली जब गांधी जी का इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री होता है. ठीक है, 1920s. ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, दीज वे सर्टेन मूवमेंट्स. और गांधी जी ने जब भी ये मूवमेंट्स लॉन्च किए तो काफ़ी भारी मात्रा में लोग यूनाइट होकर इस मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए. ठीक है, दे बेसिकली पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट. कैसे भाई साहब कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया. ठीक है, ओके, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. सो अलग अलग समाज से अलग अलग लोग आए और इन्होंने इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. ठीक है, हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल. नेशनलिज्म का जो एक वो चला वो सारे लोगों में फैलने लगा.
ठीक है, वी नीड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, वी नीड टू यूनाइट अगेंस्ट दिस अप्रेशन बाय द ब्रिटिश रूल एंड वी नीड टू बिल्ड अप अ नेशन, ठीक है, विच विल बेसिकली बी समथिंग दैट यू नो गोज अहेड. ओके, मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट बहुत सारे प्रोसेशंस होने लगे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. तो दीज वेयर मास प्रोसेशंस, ठीक है, दीज वेयर मास प्रोसेशंस दैट वेयर टेकन आउट. प्रोसेशंस मतलब समझते हैं ना, जुलूस, ठीक है, भारी मात्रा में लोग जुलूस लेके निकलने लगे. आज भी अगर आप देखोगे 15-20 जन अगर एक साथ जा रहे होंगे, अरे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे देखोगे ना आप, ठीक है, तो मतलब कोई जुलूस निकलने वाला है, कोई मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, यही सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और फिर आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली जाएगा जहाँ पे भाई साहब बहुत भीड़ है. मार्केट में आपका अटेंशन नहीं जाएगा, है ना, मार्केट में भाई साहब भीड़ रहेगी, सब लोग भाई साहब वहाँ पे यू नो या तो बेचने के इरादे से आएंगे या तो खरीदने के इरादे से आएंगे. सो यू नो दैट देयर इज अ ट्रेड दैट इज हैपनिंग देयर. ऑल ऑफ अ सडन इन स्ट्रीट्स इफ यू सी टू मेनी पीपल गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली दैट विल बी एन आई कैचर या अटेंशन ग्रैबिंग थिंग, है ना. सो क्योंकि इतने लोग यूनाइट हो गए, जरूर इनका कोई कॉमन कॉज होगा, ठीक है. सो इसी तरह से भाई साहब जुलूसें निकलने लगी, ठीक है, लोग यूनाइट होने लगे, ठीक है. सो दीज वेयर मास प्रोसेशंस, मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ये बहुत ही कॉमन सा एक फीचर दिखने लगा हमको, ठीक है, मास मूवमेंट्स वेर हैपनिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स. ओके, अभी उसी टाइम पे देखो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से कब चला. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, ठीक है, 1919 तक चला थोड़ा सा, और आपका 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भाई साहब पूरे मतलब वर्ल्ड की कमर तोड़ दी थी, ठीक है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, इन तीनों चीज़ों का हम इंडिया में इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है. इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड द ब्रिटिशर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन बोथ द वॉर्स. सो ऑब्वियसली अगर ब्रिटिशर्स ने वॉर में पार्टिसिपेट किया है तो क्या वॉर का इम्पैक्ट इंडिया में भी इनडायरेक्टली आएगा? बिल्कुल आएगा भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल आएगा. सो ऐसा ही भाई साहब यहाँ पे भी हुआ. खिलाफत मूवमेंट बेसिकली एक मूवमेंट था, मोहम्मडन मूवमेंट था, मुस्लिम्स का मूवमेंट था, दैट ऑल्सो अफेक्टेड एंड नॉन कोऑपरेशन. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वेंट हैंड इन हैंड. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन. इन द ईयर्स आफ्टर 1919, ठीक है, द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज. तो 1990 के बाद गवर्नमेंट भाई साहब टैक्सेस बढ़ाने लगी, ठीक है, अट्रॉसिटीज़ बढ़ाने लगी, तो इसीलिए भाई साहब जो नेशनल मूवमेंट था वो नए नए जगहों पे आने लगा, ठीक है. द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज, इट्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज, ठीक है. इनकॉर्पोरेटेड न्यू सोशल ग्रुप्स, ठीक है, डेवलप्ड न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. सो इससे भाई साहब नया सोशल ग्रुप्स का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है. सो सोशल ग्रुप्स इवॉल्व होने लगे एंड दिस डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. और इससे क्या हुआ भाई साहब, नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, दिस डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, ठीक है, वॉट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. पूरे भाई साहब यूरोप में एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गया. कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, कंट्रीज संगठन बनाकर लड़ रहे थे. तो इससे हुआ क्या, देखिए जब भी वॉर होता है उसका रिजल्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ही होता है, उसका रिजल्ट कभी फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक है. काफ़ी सारे आर्मीज का एम्प्लॉयमेंट होता है, काफ़ी सारा भाई साहब आप उसमें पैसा लगाते हैं. तो ऑब्वियसली अगर नेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉर में जाता है तो नेशन के लिए बहुत खर्चा है. तो इकोनॉमिक तो है ही और पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, हर एक कंट्री दहशत में है, ठीक है. हर एक कंट्री ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई साहब अभी कोई अटैक कर देगा, ठीक है. ब्रिटेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी जर्मनी अटैक करेगी, फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी जर्मनी अटैक कर देगी, उधर से रशिया का अटैक आ रहा है, उधर से अमेरिका. सो एवरीबडी इज स्केयर्ड, एवरी कंट्री इज स्केयर्ड. तो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पेटिव हो जाती है. पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब ये स्केयर, जो डर का भावना है ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं होता है, उनके नीचे एकदम कॉमन मैन तक ये पहुँचता है, ठीक है. सो एक अजीब सा पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाता है और इकोनॉमिक सिचुएशन तो डेफिनेटली बैड हो जाती है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर क्रिएटेड अ न्यू, ठीक है. सो ये आपका देखो सारे ये जितने भी आपको कंट्रीज दिख रहे थे सब के सब भाई साहब लड़ रहे थे. डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशियन एम्पायर, एवरीबडी वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. बट ऑब्वियसली बात है, बड़े बड़े आर्मीज लगेंगे, बड़े बड़े तोप लगेंगे भाई साहब, बड़े बड़े बंदूकें लगेंगी, ठीक है.
So there was a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans. War loans मतलब लोग भाई साहब जो लोग war fought कर रहे थे, fight कर रहे थे, they started taking loans. These countries started taking loans. ठीक है, इससे क्या बना भाई साहब, अभी loans अगर हम ले रहे हैं, country अगर loan ले रही है, ठीक है, तो obviously वो पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से ही आएगा. और लोगों से वो पैसा कैसे आएगा, by means of tax. ठीक है, by means of tax. So increasing tax, customs duties were raised. तो जितने भी आपके कस्टम ड्यूटीज एप्लीकेबल होते थे उनको बढ़ा दिया गया. ठीक है, सो ऑल दीज कस्टम ड्यूटीज विच वेर एप्लीकेबल दे वेर इंक्रीज्ड. ठीक है, सो कस्टम ड्यूटीज वेर रेस्ड. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हो गया भाई साहब. और क्या हो गया भाई साहब, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेज इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. तो लोगों पे ही इसका प्रभाव सबसे ज्यादा आया, क्योंकि गवर्नमेंट भी पैसा पैसा कहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट तो ही ना पैसा ला पाएगी. तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, हम पे टैक्स बढ़ा के. हम पे अगर टैक्स बढ़ रहा है तो हमारा क्या बढ़ेगा भाई साहब, हमारी हार्डशिप्स बढ़ जाएंगी. ठीक है, वी विल स्ट्रगल मोर, वी विल बी, इट विल बी बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक बोथ एंड्स मीट, इट विल बी बिकमिंग डिफिकल्ट, वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव एज वेल. ठीक है, हार्डशिप्स हमारे बढ़ जाएंगे. ठीक है, विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइडस्प्रेड एंगर. तो विलेजेस को भाई साहब बोला गया कि सप्लाई करो सोल्जर्स, सप्लाई करो. ठीक है, मतलब कैसा हो गया, देखो विलेजेस में कौन रहते थे, विलेजेस में विलेजर्स रहते थे, तो इनको भाई साहब जबरदस्ती के जितने भी यंग लोगों को ले जाया जाता था. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट चालू हो गया, मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा. और आर्मी ज्वाइन करके देश के लिए लड़ना है, ब्रिटिशर्स के लिए लड़ना है. ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली अ काइंड ऑफ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. You have to basically fight for Britishers in some foreign country and in some foreign land. ठीक है, villagers were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger. तो ये जबरदस्ती का भाई साहब forced recruitment होने लगा और इससे widespread anger बढ़ने लगा. ठीक है, there was a widespread anger. तो लोगों में भाई साहब गुस्सा बढ़ने लगा. A process by which colonial state forced people to join the army. So they were forced, they were not given any options. भाई साहब आर्मी ज्वाइन करना ही है आपको. ठीक है, they were not given any options. Then in 1918 to 1919 and 1920 to 21, crops failed in many parts of India. इसके बाद क्या हो गया भाई साहब, famines हो गई और crops का failure हो गया. India primarily भाई साहब क्या था, India भाई साहब, India is an agricultural country. India भाई साहब क्या है, एक agricultural country है. ठीक है, और क्रॉप्स अगर फेल हो जाता है तो भाई साहब कंट्री की कमर टूट जाती है. ठीक है, क्योंकि मेन प्रोड्यूस क्या है आपका, क्रॉप्स है, फार्मर्स उसी से कमा रहे हैं. ठीक है, जो मार्केट में धंधा कर रहे हैं वो भी इसी से कमा रहे हैं. ठीक है, और लोग इसको खा रहे हैं. तो एक तो भाई साहब खींचा तानी इकोनॉमी में है ही, प्लस क्रॉप्स भी फेल हो गए आपके. ठीक है, फॉर सर्टेन रीजंस. इन 1918 टू 1990 एंड 1920 टू 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, क्रॉप्स फेल, रिजल्टिंग इन अक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड. तो भाई साहब खाने पीने की फूड क्राइसिस हो गया, देयर वाज अ फूड क्राइसिस. तो देखिए ये सारा जो कंडीशन क्रिएट हो रहा है ना, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की जब जान पे आ जाती है ना तब वो फील्ड में उतरता है. ठीक है, जब भाई साहब देख रहा है कि फैमिली में बच्चे भूखे हैं, ठीक है, रहने को छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और अगर खाना है भी तो इतना महंगा है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंसान लड़ बैठेगा भाई साहब दुनिया से. ठीक है, और इसी चीज़ के लिए भाई साहब लोग अभी उतरने लगे फील्ड में. कौन से फील्ड में, टू प्रमोट नेशनलिज्म. ठीक है, ओके, दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. उस टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ था, ऐसा ही कुछ एपिडेमिक जैसा कोरोना में हुआ है. उस टाइम पे तो मेडिकल केयर भी उतना अच्छा नहीं था हमारा. अगर आप देखोगे दिस इज हाउ आवर हॉस्पिटल वुड लुक लाइक, आज की तारीख में ऐसा हॉस्पिटल दिखा गया क्या भाई साहब, नहीं ना. आपके प्रॉपर चेंबर्स होते हैं, ठीक है, सेपरेशंस होते हैं. लेकिन इस तरह से उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट अ कोविड टाइप का एपिडेमिक होता है. ठीक है, सो देर वॉज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड आउट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 टू 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड. 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड मतलब मर गए एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन्स एंड द एपिडेमिक. ठीक है, ये जो फेमिन्स हुआ, सूखा पड़ा और एपिडेमिक हुआ, ठीक है, इसके वजह से ऑलमोस्ट 12 से 13 मिलियन लोगों की जाने गई. ठीक है, विच वॉज अ ह्यूज पॉपुलेशन दैट पेरिश्ड. ठीक है, एंड द रीजन फॉर दिस वॉज ऑब्वियसली फेमिन्स. ठीक है, फूड शॉर्टेज, फूड क्राइसिस.
पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर. ऐसा लोगों को लगा कि जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगा चलो उनके जो समस्याएं हैं ठीक है खाने पीने और रहने के लिए वो कम से कम ओवर हो जाएंगी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. ठीक है, इट डिडंट हैपन. सो एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. तो देखो इसीलिए गांधी जी और ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि जब वो सीन में आते हैं तब इंडिया बहुत ही मतलब भयानक परिणामों से गुजर रहा था. एक तो फेमिन्स थी, फिर फोर्स रिक्रूटमेंट था, क्रॉप्स का फेलियर था, मतलब चारों तरफ से इंडिया फेल हो रहा था. इंडिया वॉज फेलिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स. ठीक है, सो इतने लोगों की जाने गई जा चुकी थी. ठीक है, देन गांधी अपियर्ड एंड सेड दैट इन ऑर्डर टू गेन फ्रीडम वी मस्ट अडॉप्ट अ डिफरेंट मोड ऑफ स्ट्रगल ऑल टुगेदर. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट्स इवॉल्व द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब क्या होता है भाई साहब? सत्याग्रह मतलब क्या होता है? व्हाट इज सत्याग्रह? हाँ, विदाउट यूजिंग वायलेंस. तो प्रोटेस्ट करना विदाउट यूजिंग वायलेंस. ठीक है, भूख हड़ताल करना, ठीक है, अनशन करना, जुलूस निकालना विदाउट एक्चुअली पर्टेनिंग टू वायलेंस. इस तरीके के जो भी मूवमेंट्स आप करते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं सत्याग्रह. ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया. ही वॉज बेसिकली अ लॉयर हु वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, वहाँ से वो वापस आए. ठीक है, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915. एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजीम. रेसिस्ट मतलब साउथ अफ्रीका में. देखो हमारे इंडिया में ना कास्ट को लेकर विवाद है. तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो, ऐसा कास्ट को लेकर विवाद है. कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है. लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आपके स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है. तो साउथ अफ्रीका इज बेसिकली अ कंट्री वेयर देयर वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्लैक्स एंड द वाइट्स. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का डिस्क्रिमिनेशन था. एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजीम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. ठीक है, तो एक नोवेल मेथड से इन्होंने इस चीज को फॉट किया था और इसको क्या बोलते थे? सत्याग्रह. दिस वॉज नोन एज सत्याग्रह. ठीक है, क्लियर है? तो उन्होंने वहां पे भी फाइट किया था साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए. पीपल हु वेर बेसिकली ब्लैक्स एंड हु वेर डोमिनेटेड बाई द वाइट्स. वहां पे आपका जो स्किन कलर का डिस्क्रिमिनेशन था. ठीक है, ओके. सो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. ठीक है, तो इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अप्रेसर. सो अकॉर्डिंग टू गांधी ठीक है इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर भाई साहब आपका रीजन ट्रू है और आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है तो अकॉर्डिंग टू हिम यू नीड नॉट फाइट विद द अप्रेसर. अप्रेसर यहाँ पे कौन है भाई साहब? ऑब्वियसली द ब्रिटिश रूल. सो यू नीड नॉट फाइट विद देम. ठीक है, इफ द कॉज वॉज ट्रू. Without seeking vengeance, vengeance मतलब क्या होता है? बदला. ठीक है, without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi would win the battle through non-violence. So this was his concept कि भाई साहब अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो without even taking up violence, you would be able to win the freedom. ठीक है, okay. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. मतलब एक ऐसा स्टेज आ जाएगा लड़ते लड़ते कि आपका जो आपको oppress कर रहा है उसके जहन में भी लगने लगेगा, अरे बाप रे बाप, इन लोगों को इतना मार रहे हैं फिर भी ये सह रहे हैं. ठीक है, तो इट विल अपील टू द कॉन्साइंस ऑफ द अप्रेसर. ठीक है, पीपल इंक्लूडिंग द अप्रेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस. तो इनके हिसाब से जो लोग अप्रेस कर रहे हैं मतलब ब्रिटिश रूल, उनके सामने जाके हम धरना देंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, जुलूस निकालेंगे, तो ये सारी चीजों को देख कर वो भारत छोड़कर चले जाएंगे. ठीक है, इंक्लूडिंग द अप्रेसर्स हैड टू बी परसुएडेड. परसुएडेड मतलब ये सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो वो परसुएड होंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ टू द यूज ऑफ वायलेंस. वायलेंस से भी हम इस चीज में पहुंच सकते हैं लेकिन फिलहाल वायलेंस को यूज नहीं करेंगे. नॉन वायलेंस को यूज करते हुए वी विल अचीव इंडिपेंडेंस. दैट वॉज द मोटो ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, क्लियर है? ओके. By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. ठीक है, तो इससे truth की विजय होगी होगी. महात्मा गांधी believed that this धरना of non-violence could unite all Indians. तो महात्मा गांधी के चलते ये जो धरना है non-violence का, this will unite all the Indians. सारे Indians भाई साहब आपके unite हो जाएंगे. ठीक है, After arriving in India from South Africa, महात्मा गांधी successfully organized
सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार. तो 1916 में वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, चंपारण इन बिहार, टू इंस्पायर द पीजन स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. अभी ये भाई साहब प्लांटेशन सिस्टम क्या था, व्हाट इज प्लांटेशन सिस्टम. प्लांटेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे गांव खेड़ों से या दूर दराज के इलाकों से ब्रिटिशर्स लोग किनको उठा लाते थे, वर्कर्स को, और इनको कॉफ़ी प्लांटेशंस में, टी प्लांटेशंस में, कॉटन प्लांटेशंस में, इन जगह पे काम करवाया जाता था. ठीक है. सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस. इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में. ठीक है. ओके. देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ठीक है. तो इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जो पीजेंट्स थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, उनके लिए. ठीक है. सो पहले चंपारण, फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में. तो इस तरह से लोगों से वो कनेक्ट होते जा रहे हैं. ही इज बेसिकली कनेक्टिंग विथ पीपल. ठीक है. सो फर्स्ट इट वॉज चंपारण एंड देन इट वॉज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक. प्लेग क्रॉप तो फेल हुआ था, हमने देखा भाई साहब, और प्लेग एपिडेमिक. प्लेग क्या होता था, पहले के ज़माने में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी, आज भी है ये, लेकिन आज नहीं है, इरेडिकेट हो चुका है. ये चूहों से फैलता है. ठीक है. प्लेग जो है तो चूहों से फैलता है, मरे हुए चूहों से फैलता है. ठीक है. सो ये एक किलर डिजीज है. आज की तारीख में इसका वैक्सीनेशन भी हो गया है और ये ऑलमोस्ट इंडिया से इरेडिकेट. ऐसे करके मेरे को दिखा मत कि पेपर हो गया है. नहीं. अच्छा तो प्रैक्टिस करना, तेरे पास टाइम है ना अभी, तो रिवाइज तो कर. प्लेग होता क्या है, एक किलर डिजीज है. दिस इज बेसिकली अ किलर डिजीज और इसमें लाखों लोगों की जाने गई. ठीक है. मैनी पीपल डाइड. और मतलब अभी तो आप गिनती कर सकते हैं, जैसे कोरोना में हमने बेसिकली जितने भी डेथ्स हो रहे थे वो रिपोर्ट हो रहे थे. उस टाइम पे ना लोगों के आधार कार्ड होते थे, ना ही बस अब डेथ सर्टिफिकेट्स बनते थे. तो मतलब अगर 100 लोग मरे तो आप मान के चलिए कि 500 मरे हैं, ऐसा ही होगा. ठीक है. तो सरकारी आंकड़े कुछ बताते थे और एक्चुअल आंकड़े कुछ और थे. ठीक है. सो अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक. तो प्लेग एपिडेमिक फैला भाई साहब. ठीक है. जिसमें लाखों लोगों की जाने गई. द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग दैट द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड. तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ऑलरेडी क्रॉप्स का भाई साहब फेलियर हो गया है और काफ़ी लोग जो फार्मर्स थे वो मारे गए हैं ड्यू टू प्लेग. सो दे अपोज द एंटायर रेवेन्यू सिस्टम कि भाई साहब हम इतना टैक्स नहीं दे सकते हैं. So please exclude us. We are going through an emergency. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst the cotton mill workers. अभी वो अहमदाबाद में cotton mill workers के साथ सत्या. देखो जब आप workers को approach करते हो ना, तो ये काम करने वाले लोग हैं और इनको दिख रहा है कि इनके ऊपर शोषण हो रहा है. तो these people will be convinced a lot sooner. ठीक है. तो पहले चंपारण, फिर भाई साहब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, फिर अहमदाबाद. इस तरह से वो धीरे धीरे भारत भ्रमण करने लगे और लोगों को जोड़ने लगे, लोगों के जो मतलब समस्याएं थी उनको समझने लगे, लोगों के जो समाधान है उन तक उनको पहुंचाने लगे. ठीक है. सो ही स्टार्टेड स्मॉल रेवोल्यूशंस. इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉलक्रस्ट 6th of November 1913. तो यहाँ पे देखो ये इंडियन वर्कर्स हैं साउथ अफ्रीका में और इस मूवमेंट को भी गांधी जी ने लीड किया था. ठीक है. मार्च थ्रू वॉलकर्स 6 November 1913. महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कास्टल टू ट्रांसवाल. ठीक है. तो ही वॉज बेसिकली द वन हु वॉज लीडिंग दीज पीपल. ठीक है. व्हेन द मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड, थाउजेंड्स ऑफ मोर वर्कर्स ज्वाइंड द सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स. तो जैसे मैंने आपको बोला, साउथ अफ्रीका वॉज अ कंट्री विच वॉज बेसिकली डिवाइडेड बाई रेसिज्म. मतलब द वाइट्स यूज टू कंसिडर द ब्लैक्स एज नॉन फिट ट्राइब्स. ठीक है. तो ऐसा एक डिस्क्रिमिनेशन था और गांधी ने इन लोगों को सपोर्ट किया. ठीक है. सो देयर ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड पीपल सपोर्टेड. और ये जो आपको जुलूस दिख रहा है, दैट वॉज अ थिंग दैट वॉज कंडक्टेड इन दैट एरिया. ठीक है. ओके. अभी हम बात करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा कि गांधी केम बैक टू इंडिया एंड ही ऑलरेडी हैज एक्सपीरियंस of carrying out national level movements by doing the same in South Africa. South Africa में discrimination था blacks और whites के बीच में. गांधी ने blacks को support किया था and he knew how to lead a movement. When he came back to India, he started visiting people, he started visiting places where there were problems and he started uniting people.
First he visited Champaran in Bihar, then he visited Kheda district in Gujarat, and then Ahmednagar. What was the background of these visits? Obviously in India there was a famine situation. Okay, there was forced recruitment of villagers in the army, and there was a crop failure as well. So India was already going through a food crisis. On top of that, 13 to 14 million people have died because of various reasons, including one as influenza and the other one is plague. ठीक है, तो मतलब चारों तरफ मातम फैला हुआ है, लोग frustrated हैं, ठीक है, they do not know what to do, और गांधी ने तभी इनको direction दिया. अभी यहाँ पे जो situation है उसको हमने देखा और गांधी की entry देखी, ठीक है, how he entered into the political system of India, ठीक है, and how people started uniting with him, ठीक है. तो रात बिरात में कोई leader नहीं बन जाता है, ठीक है, there is a situation and then it generates a leader. Now, अभी हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे ऐसे कौन से कारनामे ब्रिटिश एम्पायर ने किए जिससे लोग और भड़क गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच पीपल वेर मोर फ्रस्ट्रेटेड. सो पहला आता है आपका भाई साहब रॉलेट एक्ट, ठीक है. वॉट वॉज द रॉलेट एक्ट? बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट था ये. एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, गांधी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक इंसान का नाम था और उनके ऊपर ये एक्ट बना था 1919, ठीक है. और इन्होंने बोला कि लेट्स, तो गांधी ने देखा कि उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट को लीड किया था, इंडियंस के लिए भी इंडिया में मूवमेंट को लीड कर सकते हैं, ठीक है. सो लाइट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड बेसिकली यूनाइटिंग विथ हिम. सो एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, गांधी इन 1990 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट. So this act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ठीक है, तो United Legislative Council क्या था भाई साहब? Britishers क्या बोलते थे कि आपको ना हम एक Legislative Council में appoint कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारी कोई सुनता नहीं था. हाँ, Britishers ये बोल रहे हैं कि हाँ चलो Indians को भी हमने इसमें रखा है, तो Indians का अगर कोई problem होगा वो भी discuss होगा और उसका भी समाधान निकालने के, लेकिन हमेशा एक तरफा ही था, ठीक है. ऑलमोस्ट एवरी वन इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज बेसिकली अ ब्रिटिश, तो बहुत कम हमारा रिप्रेजेंटेशन था और हमारे रिप्रेजेंटेशन को कोई सुनता भी नहीं था, सिर्फ नाम मात्र के लिए था वो, ठीक है. दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड, बहुत जल्दी जल्दी में इस एक्ट को पास किया गया. इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको डिस्कस ही नहीं किया गया. इट वॉज नॉट डिस्कस्ड एट ऑल, इट वॉज जस्ट हरिडली पास्ड ताकि फटाफट पास हो और ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचे ना और हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है, ओके. हरिडली पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई साहब. दीज आर सम की वर्ड्स दैट यू नीड टू मेंशन इन योर आंसर्स, ठीक है. डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स जो थे इसको अपोज करते रहे लेकिन कुछ नहीं सुना गया, ठीक है, कुछ नहीं सुना गया, इनको भाई साहब लागू कर दिया गया. These were actually implemented. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके. सो रॉलेट एक्ट क्या था? जबरदस्ती का लागू हुआ, हरेडली पास्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट इट बींग अपोज बाय द इंडियन मेंबर्स. सो नो बडी बेसिकली कंसिडर्ड दिस, ठीक है, ओके. इट गेव द गवर्नमेंट एनर्मस पावर्स टू रिप्रेस पोलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब ये एक्ट जानबूझ के इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट को दिख रहा था कि अभी लोग उनके अगेंस्ट राइज कर रहे हैं. पीपल आर बेसिकली राइजिंग अगेंस्ट देम, दे कैन सी इट क्लियरली. तो अभी तो भाई साहब ऑपरेशन के या अप्रेस करना ही पड़ेगा लोगों को और बहुत स्ट्रांगली अप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है. सो इट गेव द गवर्नमेंट एनर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, ठीक है. देखो, किसी को जेल में डालने के पहले ना ट्रायल करना पड़ेगा. ट्रायल मतलब लॉ कोर्ट में उसका जुर्म सिद्ध होना चाहिए, ओनली देन द पर्सन विल बी डिटेन. लेकिन इस लॉ के तहत गवर्नमेंट को जिसके ऊपर शक है कि वो कुछ नेशनल एक्टिविटीज़ कर रही है या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कर रही है उसको उठाएंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है. दो साल के लिए जेल में सड़ा देंगे विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है. तो दीज आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में कुछ करने की कोशिश की है, ठीक है, इनकलाबी है ये, ठीक है. सो दे कुड बी डिटेन्ड फॉर टू ईयर्स विदाउट एनी ट्रायल, मतलब कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है. कोर्ट में केस चलता है, जुर्म सिद्ध होता है, उसके बाद सजा सुनाई जाती
लेकिन इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी डायरेक्टली कोर्ट ट्रायल में, मतलब डायरेक्टली आपके जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6th of April। हड़ताल मतलब समझते हैं, ठीक है, तो आपका स्ट्राइक 6th April, और इन्होंने भाई साहब नॉन वायलेंस स्ट्रगल स्टार्ट किया। रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, बड़े बड़े सिटीज में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, लोग जुड़ने लगे, इन जुलूसों में बड़े नंबर्स में लोग आने लगे, ठीक है, ओके। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, ठीक है, तो जितने भी रेलवे वर्कशॉप्स, रेलवे किसका था, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट में काम कौन करते थे, इंडियंस, सो दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक रेलवे वर्कशॉप्स में। रेलवे वर्कशॉप्स में इंजिन्स बनता है, प्लस वहाँ पे भाई साहब जितने भी काम होता है वो सारा काम होता है, ठीक है। शॉप्स वेर क्लोज डाउन, जैसे हड़तालों में होता है भाई साहब, ठीक है। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अनस्पर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवेज, ठीक है, टेलीग्राफ, ठीक है, वुड बी डिसरप्टेड, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। तो अभी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भाई साहब देखो, रेलवेज अगर नहीं चलेगी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इम्पैक्ट होगा भाई साहब, उनका पूरा माल रेलवे से ट्रांसफर होता है, ठीक है। टेलीग्राफ हुआ करता था उस टाइम पे, टेलीफोन नहीं होता था, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में मतलब कैसे, आप एक मैसेज टाइप कर रहे हैं तो अगले वाले को मैसेज जाता था, जैसे आज की तारीख में आप स्मार्टफोन में मैसेज टाइप कर रहे हैं तो किसी को व्हाट्सअप से या रेगुलर मैसेज से मैसेजेस जाता है, तो उस टाइम पे ऐसे मैसेज अगले वाले के पास भी टेलीग्राफ मशीन होता है, तो मशीन में वो मैसेज इनकोड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट्स होते थे इसके कुछ, सो ये सारा भाई साहब इंडियंस लोग हैंडल कर रहे हैं, तो ये सब ठप पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब इन लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट अरेस्टिंग देम एंड लेट्स स्टार्ट क्लैंपिंग देम डाउन, ठीक है, क्लैंपिंग देम डाउन। सो लोकल लीडर्स वे पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, ठीक है। लोकल लीडर्स को पिकअप किया जाने लगा, जो लोग लोकल लीडर्स थे तो इनको अमृतसर से पिकअप किया जाने लगा, एंड गांधी को भाई साहब दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई, ठीक है। ही वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज था, ठीक है। ही वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। इन 10th of April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवेकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स। तो ये वाला कौन सा इंसिडेंट था, जालियनवाला बाग, ठीक है। सो जालियनवाला बाग एक भाई साहब ऐसा ही इनक्लोज स्ट्रक्चर था जहाँ पे ये इंसिडेंट घटा, ठीक है। बैंक, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, रेलवे स्टेशन, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज बाई जनरल डायर टू कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्शल लॉ इम्पोज हो गया। ये वाला जालियनवाला बाग का ट्रेजेडी नहीं था, इन्होंने एक ऐसे ही पीसफुल मोशन पे मतलब गोलियाँ चलाई थी, कुछ लोग मरे थे। इसके बाद मार्शल लॉ स्टैब्लिश हो गया, मिलिट्री गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डनरी लॉ। तो अभी भाई साहब जो ऑर्डनरी लॉ है वो सस्पेंड हो जाएगा एंड मार्शल लॉ वॉज इम्पोज। कभी कभी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में मार्शल लॉ इम्पोज होता है, सो मार्शल लॉ इज इम्पोज अंडर वेरी इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में। और यहाँ पे मिलिट्री सुप्रीम हो जाता है, ठीक है। तो जनरल डायर टुक ओवर, ठीक है, ही बिकेम द इम्प्लीमेंटर ऑफ दिस मार्शल लॉ, ठीक है, ओके। ऑन 13th of April द इनफेमस जालियनवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। हमारे पूरे हिस्ट्री में एक ये काला धब्बा सा है, ठीक है। जालियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, एक गार्डन में, पब्लिक गार्डन में कुछ लोग जमा हुए थे और वो बैसाखी सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से जमा हुए थे, थोड़ा सा नेशनल प्रोपोगंडा भी था, लेकिन इसका एक ही एग्जिट पॉइंट था, उस एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया और अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, ठीक है। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, ठीक है, दे ऑल डाइड। द सम पीपल, वहाँ पे कुआं था, जब कोई कहीं पे दिख नहीं रहा था कहीं से भागे तो लोगों ने कुएं पे गिर के अपनी आत्महत्या कर ली। सो बहुत ही ग्रूसम इंसिडेंट था, उसमें कोई नहीं बचा, नोबडी बेसिकली सर्वाइव, ठीक है। सो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई वे सबके सब इंडियंस थे, दे वर ऑल इंडियंस, बट जनरल डायर बेसिकली ऑर्डर टू शूट दीज पीपल। दिस वॉज अ ह्यूज मैसेकर दैट हैपेंड, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जाने गई। इनफैक्ट उस बाग में जितने लोग मौजूद थे सबके सब मारे गए। ऑन 13th of April द इनफेमस जालियनवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर, फेयर मतलब मेला, ठीक है, बैसाखी का मेला समझते हैं, जब फसल कटती है तो बैसाखी सेलिब्रेट होता है। अटेंड अ फेयर गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियनवाला बाग। तो जालियनवाला बाग का एक ही प्रॉब्लम था कि उसका एक ही गेट था, ठीक है, वहाँ पे सब लोग गैदर हुए थे भाई साहब, ठीक है।
बींग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैज बीन इम्पोज्ड. तो मार्शल लॉ इम्पोज था. मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, मतलब भाई साहब आप कोई गैदरिंग्स कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो सीधा गोली चल जाएगी. ठीक है, ऐसा जबरदस्ती का रूल थोप दिया गया था इंडियंस पे. ठीक है, ओके. सो सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स. ठीक है, और बाकी क्या हो रहा था भाई साहब. अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर. बाकी लोग क्यों आए थे भाई साहब एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए. ठीक है, ओके. डायर एंटर द एरिया. ये एरिया था भाई साहब. जनरल डायर एंटर द एरिया विथ हिज ट्रूप्स. ठीक है, ही ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स. जो भी एग्जिट पॉइंट्स थे उन्होंने गेट बंद कर दिया. ठीक है, गेट बंद कर दिया भाई साहब. एंड ओपेंड फायर ऑन द क्राउड. ठीक है, ओपेंड फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स ऑन द स्पॉट. बहुत सारे लोग भाई साहब सौ. ठीक है, सब मारे गए. हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ. सब दहशत में आ जाए. ठीक है, जो लोग भी सत्याग्रह कर रहे हैं या सत्याग्रह से एसोसिएट होने की कोशिश कर रहे हैं दे शुड बी अंडर अ फियर कि भाई जान को खतरा है अभी. ठीक है, सो ही ओपेंड फायर. ठीक है, द रॉलेट आर्ट. अभी हम पार्ट टू देख रहे हैं. एज द न्यूज ऑफ जालियनवाला बाग स्प्रेड क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स. अभी हुआ क्या, देखो गांधी का जो मूवमेंट था वो पीसफुल था, सत्याग्रह. लेकिन जनरल डायर ने इसका जो जवाब दिया वो वायलेंस से दिया, तो ऑब्वियसली लोग अभी तनक गए. ठीक है, ये लोग भी सब वायलेंस पे उतर आए. पीपल एक्चुअली रिजॉर्टेड टू वायलेंस, क्योंकि बच्चे मरे थे इसमें, औरतें मरी थी. ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए थे. सो दिस बेसिकली वॉज एन इंसल्ट टू द इंडिया इंडियन कम्युनिटी. एज द न्यूज ऑफ जालियनवाला बाग स्प्रेड क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स. ठीक है, सो बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में जो भीड़ है वो स्ट्रीट पे उतर आई. ठीक है, भीड़ है वो स्ट्रीट पे उतर आई. ठीक है, देयर वेयर स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज होने लगी. क्लैशेस विद द पुलिस. पुलिस के साथ क्लैश होने लगा. ठीक है, अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. तो लोग अभी सत्याग्रह भूल गए, लोग अभी पीसफुल प्रोटेस्ट भूल गए, लोग अभी पीसफुल मार्चेस भूल गए. दे स्टार्टेड अटैकिंग दीज प्लेसेस. ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल. तो गवर्नमेंट ने इसका जवाब बहुत ब्रूटली दिया और लोगों को टेरराइज कर दिया. ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. ब्रूटल रिप्रेशन मतलब बहुत सख्ती से इनसे निपटा. सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल. ह्यूमिलेट मतलब लोगों को ह्यूमिलेट करना, टेरराइज करना. ठीक है, मतलब बहुत जलील किया लोगों को. सत्याग्रह फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड. अगर किसी सत्याग्रह को पकड़ा जाता था तो उसको ऐसे जमीन पे नाक रगड़ के चलना पड़ता था. ठीक है, दे वे फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड. ठीक है, दैट्स हाउ दे ह्यूमिलेटेड पीपल. क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स. आप सीधा चल नहीं सकते, आपको रेंगते हुए स्ट्रीट से जाना पड़ेगा. मार मार के रेंगते हुए, नाक घिसाते हुए लोग लेके जाने लगे. ठीक है, सो दिस वॉज बेसिकली एन इंसल्ट टू द इंडियंस. ठीक है, दैट्स हाउ दे वेर फेल्ट. डू सलाम टू ऑल साइड. सो सब साइड्स को सलाम करते हुए आगे जाना है, जितने भी सत्याग्रही पकड़े जाएंगे. ठीक है, पीपल वेयर फ्लॉग्ड. ठीक है, विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड. ठीक है, अराउंड गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान. तो बहुत सारे विलेजेस में बॉम्ब्स फेंके गए. सीइंग वायलेंस स्प्रेड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. और यहाँ से ही महात्मा गांधी और भगत सिंह में स्प्लिट हो गया. ठीक है, सो वॉट भगत सिंह बिलीव्ड वॉज जालियन. पहले भगत सिंह की एंटायर फैमिली महात्मा गांधी को मानकर चलती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब ये वायलेंस चालू हो गया तो इस पूरे मूवमेंट को कॉल बैक कर लिया. नहीं, अभी हम बंद कर रहे हैं इसको. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा वायलेंस फैल रहा है. तो अगर भगत सिंह ने बोला कि मतलब इफ़ दे हैव किल्ड इनोसेंट किड्स एंड वुमेन एंड मैन हु हैड कम टू सेलिब्रेट इन जलियनवाला बाग एंड वी आर गोइंग टू वायलेंस तो वॉट इज द रॉन्ग दैट वी आर डूइंग. हम भी सही कर रहे हैं ना. तो यहाँ से महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे लोग जो आज़ादी छीन कर लेना चाहते थे उनमें से स्प्लिट हो गया. ठीक है, दैट वॉज अ स्प्लिट दैट वॉज क्रिएटेड. ठीक है, बट महात्मा गांधी सिंस हिज ओरिजिनल थॉट वॉज वी विल अटेन इंडिपेंडेंस विदाउट रिजोर्टिंग टू वायलेंस सो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, ही बेसिकली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन. ज़्यादा करके सिटीज एंड टाउन्स में ही था ये. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है, सो नाउ इन्होंने बोला कि भाई साहब अभी सिर्फ टाउन्स एंड सिटीज नहीं, पूरे इंडिया को जोड़कर हम मुझे एक मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा. द एंटायर इंडिया हैज़ टू बी बेसिकली जॉइंट. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज
विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स टुगेदर. तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स में पहले भी रिफ्ट था, ठीक है. तो इन्होंने बोला कि भाई साहब जब तक हम सबको एक छत के नीचे नहीं लाते हैं, जब तक सबको एक साथ यूनाइट नहीं करते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट रिजल्ट्स, ठीक है. ऑन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वर्स टू टेक अप द खिलाफत इशू, ठीक है. तो खिलाफत इशू एक इशू था जो मोमेडन्स का इशू था, मुस्लिम्स का इशू था, ठीक है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ऑटोमन टर्की बेसिकली एक मुस्लिम लीडर थे और इनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गया. ही बेसिकली वॉज डिफीटेड, ठीक है. सो देवर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्परर. देखो जब आप कोई वॉर हारते हैं ना, तो आपके ऊपर एक समझौता लागू होता है और आपको उस समझौते को साइन करना ही पड़ता है, ठीक है. तो बहुत ही तो ऐसा रूमर फैलने लगा कि ऑटोमन टर्की पे बहुत बड़ा एक समझौते का एग्रीमेंट आने वाला है, जिसके वजह से बहुत सारा लॉस होने वाला है, ठीक है, ऑटोमन टर्की पे, ठीक है. द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ही वॉज नोन एज द खलीफा. खलीफा मतलब स्पिरिचुअल हेड. देखो हर एक, जैसे हमारे हिंदू गुरुओं में शंकराचार्य इज अ स्पिरिचुअल हेड, ठीक है, वैसे ही मुसलमानों में खलीफा इज द स्पिरिचुअल हेड. सो देर वॉज अ रूमर दैट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू दिस वॉर वुड बी इम्पोज ऑन हिम, ठीक है. उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ठीक है. टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, ठीक है. अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि भाई चारों तरफ से हम प्रोटेस्ट करेंगे कि खलीफा पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना किया जाए, ठीक है. बिगैन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू. तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किया कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर अस टू यूनाइट ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया अगेंस्ट द खलीफा पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं ड्यू टू हिम लूजिंग द वॉर, ठीक है, कैन दैट बी अवॉइडेड, ठीक है. सो गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट. तो इन्होंने देखा कि भाई साहब मुस्लिम्स एलिनेटेड है, तो अगर हम उनके किसी कॉज के लिए लड़ें तो विल दे ऑल बी अंडर वन अम्ब्रेला. सो दैट इज वॉट ही स्टार्टेड सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है. हालांकि खिलाफत मूवमेंट हमारे देश से नहीं जुड़ा था, ये मुस्लिम्स के जो लीडर थे खलीफा उनसे जुड़ा था, ठीक है. वहाँ पे वो हार गए थे, टर्की वॉज बेसिकली डिफीटेड ऑटोमन एम्पायर एंड देर वेर ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस दैट वेर गोइंग टू बी इम्पोज ऑन हिम. सो इन ऑर्डर टू अपोज द रिस्ट्रिक्शंस दैट वुड बी इम्पोज ऑन हिम, महात्मा गांधी अलाइंड ऑल द मुस्लिम्स हु वेर स्टेइंग इन इंडिया अगेंस्ट दिस, ठीक है, ओके. सो एट द कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सेप्टेम्बर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj, ठीक है. तो Khilafat और Swaraj दोनों के लिए एक non-cooperation movement की launch हुई, ठीक है. That was what, ठीक है, Gandhi started. General Dyer's crawling orders being administered by British soldiers Amritsar Punjab. तो crawling orders मतलब अगर कोई soldier कहीं पर खड़ा है तो उसके सामने से सीधे से तुम नहीं जा सकते, तुमको रेंगते हुए नाक घिसते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है. सो दीज वेर क्रॉलिंग ऑर्डर्स दैट वेर इम्पोज बाई जनरल डायर, ठीक है. सो तो वाई नॉन कोऑपरेशन, दिस इज समथिंग दैट वी विल कंटिन्यू. जस्ट वन मोमेंट पीपल.